डियर फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में बीजों पर चर्चा कर रहे थे और बीजों पर ही आगे की कड़ी में हम बीजों के अंकुरण प्रतिशत के बारे में जानकारी लेंगे, भौतिक शुद्धता के बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार से निकाली जाती है, वास्तविक उपयोगिता मान बीजों का होता है, वास्तविक उपयोगिता मान जो 75% से कम नहीं होना चाहिए। मानक बीज में 75% कम से कम उपयोगिता मान उसका होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके लेते हैं अपन। और सबसे पहले हम लेंगे अंकुरण प्रतिशत। किसी भी बीज का अंकुरण प्रतिशत ही उसका उसके बीज की जीवन क्षमता को दर्शाता है। वो बीज तभी अच्छा बीज कहलाएगा जब वो खेत में जाकर अंकुरित होगा, वरना तो किसान को कोई मतलब ही नहीं उसको खरीदने का। तो उसकी अंकुरण प्रतिशत ज्ञात होना चाहिए। और अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कौन करता है? वैज्ञानिक लोग करते हैं। जो बाजार में कोई दुकानदार बीज बेच रहा है, वहां से नमूना लेकर लाया जाता है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला में दिया जाता है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाले उन बीजों को उगाकर देखते हैं, या तो टॉवल पेपर पर उगा के देखेंगे, बात की थी अपनी पिछली क्लास में, या फिर वो सैंड में बालू रेत में उगाकर देखेंगे, और जो अंकुरित बीज होंगे उनकी काउंट करेंगे और उससे अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करेंगे। है? तो अंकुरण प्रतिशत क्या है भैया? अंकुरण प्रतिशत है कि हम जो कुल बीज लेकर आए उनमें से कितने बीज अंकुरित हुए। जैसे नंबर आते हैं, हमारे दसवीं की परीक्षा में मेरे 70 नंबर आए 100 में से, तो 70% हो गई। ऐसे ही बीजों का अंकुरण प्रतिशत कैसे होगा? 100 बीज लेके आए, 70 बीज अंकुरित हुए, 70% अंकुरण प्रतिशत हो गया। बहुत साधारण सी बात है, देख लो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे आप। वही तरीका है जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है इसमें, वही तरीका देखिए आप। अंकुरण प्रतिशत मैं लिख रहा हूं, जाए अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या। अंकुरित बीज है किसी डिवाइड करेंगे कुल बीजों से, इसको भाग देंगे 900 से कर देंगे, हो गए परसेंटेज निकल गई, सिंपल सी बात है। कुल बीजों का भाग अंकुरित बीजों में दे देंगे, अंकुरण प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से भौतिक शुद्धता, देखिए दूसरा विषय है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता यह होती है कि जैसे भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, जैसे आपने लिया 100 ग्राम बीज खरीद लाया, कुल बीज कितना है? कुल बीज का भार 100 ग्राम है, उसमें से जो है उसमें प्योर बीज, शुद्ध बीज निकले 80। कितने निकले? 80। 100 में से 80 × 100 हो गया 80% भौतिक शुद्धता। और भौतिक शुद्धता 80% तो होनी चाहिए, 80% से कम भौतिक शुद्धता है तो वो बीज अमानक माना जाएगा, उस बीज को बाजार में बेचा नहीं जा सकता, वो बीज बेचने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से अंकुरण परसेंटेज भी यही है, हर बीज की अलग अलग अंकुरण प्रतिशत है, उस अंकुरण प्रतिशत से अगर कम अंकुरित बीज होता है तो बीज बाजार में बेचने योग्य नहीं है। अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता, और अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता जब दोनों की निकल जाती है तो उससे निकलता है बीज का वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है? वास्तविक उपयोगिता मान होता है, देखो भौतिक शुद्धता को अंकुरण प्रतिशत से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो, उसमें हो गया आपका उसकी रियल वैल्यू, उपयोगिता मान हो गई। देखो कैसे निकालते हैं इसको, किसी भी बीज का उपयोगिता मान, उपयोगिता मान इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल वैल्यू बराबर अंकुरण परसेंटेज, कितने बीज अंकुरित हुए अंकुरण परसेंटेज गुणा भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता प्रतिशत डिवाइड बाई 100। सिंपल सी बात है, क्या आ गया भैया? रियल वैल्यू आ गई। देख ली, ये निकाल रखा है इन्होंने, देखो भौतिक शुद्धता 70% है किसी बीज की है? और आपकी अंकुरण प्रतिशत 90% है, तो डिवाइड 100 से कर देंगे, कितना हो गया भैया? 20 गई और हो गया आपका 63%। 63 क्या हो गई? उपयोगिता मान, क्या हो गया? उपयोगिता मान हो गया। तो ये हो गया भौतिक शुद्धता, और फिर दूसरा हो गया वो आपकी अंकुरण प्रतिशत, और तीसरा हो गया उसकी उपयोगिता मान। इसके बाद हम अगला चीज लेंगे भैया, बीजों का वर्गीकरण। बीजों के वर्गीकरण में क्या है?
बीज जो आपको बाजार में मिल रहा है, किसान को उपलब्ध हो रहा है, उसकी क्या पहचान है, कौन सा बीज किसान को खरीदना चाहिए है? उसकी उसका जो है क्या नियम कायदे कानून है, कौन सा बीज बेचा जा सकता है बाजार में, कौन बीज बेच सकता है बाजार में, इन सब चीजों के कहां पर निर्धारित होता है कि ये बीजों का वर्गीकरण है। बीज चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कैसे होते हैं चार प्रकार के? देखिए, किसी भी बीज का जो सबसे पहला, किसी भी किस्म का, किसी भी उन्नत किस्म का, कोई भी नई किस्म बनाई किसी वैज्ञानिक ने, और नई किस्म कौन बनाते हैं? कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिक भी कौन से? जो प्रजनन करने वाले होते हैं, ब्रीडिंग करने वाले होते हैं, ब्रीडर होते हैं एक्चुअली। कौन होते हैं? ब्रीडर, प्लांट ब्रीडिंग का काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं प्लांट ब्रीडर, और वो नई नई किस्में बनाने के लिए प्रयोगशालाओं में और फील्ड में जाकर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब ये मान लीजिए कोई दुर्गापुरा हमारा जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां पर किसी वैज्ञानिक ने एक जो की किस्म निकाली, एक उसको निमेटोड के लिए रोग रोधी किस्म का विकास हो गया, वहां पर एक नई किस्म का विकास हो गया, और नई किस्म का विकास हो गया, सबसे पहले जो पौधा मिला उसका, नई किस्म का जो पौधा मिला, एक पौधा होगा या दो चार पौधे होंगे, लिमिटेड पौधे मिलेंगे सबसे पहले, तो वो होंगे मूल केंद्रक बीज। भैया वो मूल केंद्रक बीज होंगे, जो सबसे पहला बीज मिलेगा वो होगा मूल केंद्रक बीज होगा। कौन सा होगा? मूल केंद्रक बीज होगा, न्यूक्लियस सीड होगा। इसका उत्पादन किसने किया? प्रजनक ने किया। किसने किया? ब्रीडर ने किया। यह बीज सबसे पहला बीज है, पहले बीज है। कम आनुवंशिक विविधता कितनी होगी? 100% होगी। प्योरिटी कितनी? जेनेटिक 100%। और ये इस बीज से अगला बीज बनेगा भैया, कौन सा बीज? कौन सा बनेगा? प्रजनक बीज बनेगा। अब क्यों क्यों बनेगा भाई? वो तो इतना सा बीज है, हमको उस किस्म के, उस उन्नत गुणवत्ता के बीजों को फैलाना है, किसान तक पहुंचाना है, तो उसके क्या तरीका है? उससे इसके बाद बनाएंगे अगले बीज, वो क्या कहलाएंगे? ब्रीडर सीड। क्या कहलाएगा वो? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड भी कौन बनाता है? पादप प्रजनक बनाता है। कौन बनाता है? या तो वो संस्थान बनाता है जहां पर वो प्रजनक काम कर रहा था, प्रजनक की देखरेख में बनता है, प्रजनक की देखरेख में या तो खुद बनाएगा या संस्थान बनाएगा जहां पर वो काम कर रहा है। इसकी भी शुद्धता 100% होगी। और ये प्रजनक बीज बना कहां से है? मूल केंद्रक बीज से। कौन से बीज से बना? मूल केंद्रक बीज से। आपको क्रम यही होगा इसका है? और ये इससे अगला बीज जो बनेगा वो क्या होगा? आधार बीज होगा। प्रजनक बीज से अगला बीज कौन सा बनेगा? आधार बीज बनेगा। और इस पर गोल्डन रंग का थैली या गोल्ड रंग का टैग लगा होता है, इसकी पहचान होती है। बाजार में नहीं मिलता है ये, बाजार में तो आपको प्रमाणित बीज मिलेगा। ये तो बीज जो है, इसको रखने का जो निर्धारित मानक है वो ये है कि इसको सुनहरे गोल्डन रंग के, पीले रंग के थैलियों में रखा जाता है पहचान के लिए। अब प्रजनक बीज से के बाद कौन सा बीज आएगा? आधार बीज, फाउंडेशन सीड। अब देखो प्रजनक बीज हो गए, इससे बनेंगे आधार बीज। ये उत्पादन कौन करेगा? इसका उत्पादन कहां से होता है? इन बीजों से होता है, प्रजनक बीजों से होता है। ये जो है या तो बीज निगम बनाते हैं, कहां बनते हैं बीज? या तो बीज निगम, RSSC, NSC या कोई बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं बनाती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के पास वो बीज भेज देते हैं और वो उसकी संख्या को बढ़ाती है। आधार बीज होता ही है और ये संस्थाओं की देखरेख में होता है, ठीक है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, 98%। इसकी थैलियों का रंग कैसा है? सफेद रंग है। कौन सा रंग है? इसका कौन सा था? गोल्डन रंग है, रंग था। इसका क्या है? सफेद रंग है। और ये इससे प्रमाणित बीज बनेगा क्या भैया? इससे प्रमाणित बीज बनेगा। सबसे पहला बीज कौन सा था? मूल केंद्रक बीज। दूसरा कौन सा है? प्रजनक बीज। तीसरा कौन सा है? आधार बीज। देखो मूल केंद्रक, सबसे मूल केंद्रक, उससे क्या बना? प्रजनक बना। क्या बना? प्रजनक बना। उससे आगे क्या बना? आधार बना। क्या बना? आधार बना। और अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज बनेगा, सर्टिफाइड प्रमाणित बीज बनेगा। आधार बीज से बनाया जाता है। प्रमाणित बीज कहां से बनाते हैं? इस बीज से बनाते हैं। और ये जो है या संस्थाओं, RSSC, NSC या पंजीकृत किसानों द्वारा, किसानों से उत्पादन करवाया जाता है इसका, क्योंकि बड़ी मात्रा में पैदा करना है इसको,
बड़ी मात्रा में पैदा करने के लिए गवर्नमेंट के पास तो इतनी जमीनें खेत नहीं होते हैं, तो उसमें सबका सहयोग लेना पड़ेगा, उसमें किसानों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसमें इसका जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है किसी भी पंजीकृत बीज उत्पादक द्वारा, मतलब किसान द्वारा, वो अपना पंजीकरण करा ले किसान और किसान भी इसको पैदा करते हैं। किसी भी पंजीकृत बीज उत्पादक द्वारा ये बीज पैदा किया जाता है। और ये थैली का रंग कौन सा है? नीले रंग का। बाजार में कौन सा बीज मिलेगा? प्रमाणित बीज। किसान उगाता है? प्रमाणित बीज। किसान कौन सा बीज बाजार में खरीदने जाएगा? प्रमाणित बीज। किसान कौन से रंग की थैली को देखकर बीज खरीदेगा? नीले रंग की थैली को, नीले रंग के टैग को या थैली को देखकर वो बाजार से खरीदेगा। और ये जो बीज प्रमाणित बीज का उत्पादन आरएसएससी या एनएससी करवाती है, किससे करवाती है? किसी भी बीज उत्पादक द्वारा करवाया जा सकता है, एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, किसी भी बीज किसानों के द्वारा जो कि पंजीकृत होते हैं। इनकी शुद्धता कितनी होती है? 95% और भौतिक शुद्धता 80%। ये तो बात कर ही चुके अपन, क्योंकि किसान खरीदेगा इसको और किसान बाजार में जो बीज खरीदता है प्रमाणित बीज होता है, नीले रंग की थैली में होता है। और भौतिक शुद्धता कम से कम 80% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 80% होनी चाहिए। इस प्रकार से ये चार प्रकार के बीज है। इनमें जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक तो प्रमाणित बीज के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो किसान बाजार से कौन सा बीज खरीदता है? प्रमाणित बीज। कौन से रंग की थैली को देखेगा? नीले रंग की थैली को। इस बीज का उत्पादन कौन करता है? कोई भी पंजीकृत किसान कर सकता है। करवाते कौन है? एनएससी और आरएसएससी करवाती है, आरएसएससी और एनएससी करवाती है। इसकी भौतिक शुद्धता कितनी होगी? 80% से ज्यादा होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता 95% से ज्यादा होनी चाहिए। इस बीज का उत्पादन होता कहां से है? आधार बीज से होता है। आधार बीज का उत्पादन कहां से होता है? प्रजनक बीज से होता है। प्रजनक बीज का उत्पादन कहां से होता है? मूल केंद्रक बीज से होता है। इस प्रकार का एक क्रम याद होना चाहिए आपको। और ये थोड़ी सी बीजों की जानकारी आपको हमने उपलब्ध करवाई है। अब आपको देखो, अब ये तो बीजों के प्रकार है, अब है बीजों की किस्मों के प्रकार। नए नए प्रकार की जो किस्में का विकास होता है वो किस किस प्रकार से बीजे बनाई, किस्में बनाई गई, उसका ये प्रकार है कि सब किस किस प्रकार की किस्में होती है। सबसे पहला है संकर किस्में। कौन सी किस्में है भैया? पहली संकर किस्में क्या होती है? संकर, संकर को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं संकर किस्में। और ये क्या होती है? एक मतलब दो अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग किस्म, दो किस्मों के पौधे हैं, एक की उत्तम गुणवत्ता है, एक की उत्तम प्रतिरोधक क्षमता है। हम चाहते हैं कि दोनों गुण एक में आ जाए, तो इसीलिए कोई भी दो अलग अलग किस्में जो होती है, एक्स और वाई को मिलाकर एक्स वाई जो बनता है, यह होता है आधे गुण इसके और आधे गुण इसके, तो ऐसी किस्मों को बोलते हैं संकर किस्में। क्या बोलते हैं? संकर किस्में। और अब इनकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संकर किस्मों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पीढ़ी को बुआई के काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है इसके आगे इसमें जो है स्वपरागण या इसका किसी और से पर परागण करा लेंगे आप, केवल F1 पीढ़ियां बुआई के काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाए। F1 पीढ़ी क्या होती है? देखो F1 पीढ़ी होती क्या है, जब हम कोई संकर करवाते हैं, जैसे एक का तुम ले लिया मादा, एक का ले लिया नर, कोई है इसका है? इसको ले लिया नर और दोनों में अपन ने संकर करवाया, तो ये जो है एक्स और ओ से क्या बन गया? ये XO बना। तो इस पीढ़ी को ही बोएंगे अपन, F1 पीढ़ी कहलाती है। इसके बाद अगर इसमें परपरागण या स्वपरागण करके अगली पीढ़ी हमने ले ली तो वो F2 पीढ़ी हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी जाएगी? F2 पीढ़ी हो जाएगी। ये F1 पीढ़ी ही बोने के काम में आती है, नंबर एक बात। दूसरा विषय है उन्नत किस्में किसे कहते हैं? कोई भी किस्म जो किसी भी, कोई भी किस्म जो वहां की स्थानीय किस्मों से 10-15% उपज ज्यादा देती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उन्नत किस्में। संकुल किस्में किसे कहते हैं भैया? संकुल किस्मों की जानकारी आपको मिलेगी मक्का में। मक्का में संकुल किस्में मिलती है, जिनको कंपोजिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट किस्में भी कहते हैं। कंपोजिट किस्में क्या होती है भैया? क्या होता है एक्चुअल में, मक्का में ही ये विधि काम में आती है,
मक्का में कई किस्मों के उत्तम गुणवत्ता के अच्छे अच्छे भुट्टे छांट लिए आपने, अच्छे अच्छे कई खेतों में से बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता के भुट्टे सबके छांट लिए और सारे भुट्टों के बीज को एक जगह इकट्ठा किया और सबको आपस में मिला लिया और फिर उनको पूरे खेत में बोया। उनमें आपस में पर परागण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फ्री उसको मतलब आपस में इंटर जो किस्म का इंटर वेराइटल जो पर परागण होता है वो होने देते हैं। अब उनके बाद जो भुट्टे बनकर आते हैं वो संकुल किस्में कहलाती है। क्या कहलाती है? संकुल किस्म। चुनी गई किस्मों में अंतरा संकरण, अंतरा इंटर हाइब्रिडाइजेशन करवाना क्या कहलाता है? संकुल किस्में कहलाती है। इसके बाद है भैया उत्परिवर्तित किस्में। उत्परिवर्तित किस्में क्या होती है? उत्परिवर्तन हो जाता है कई बार कई किस्मों में, उत्परिवर्तन यानी आनुवंशिक परिवर्तन कर लिया जाता है, उत्परिवर्तन कराए जाते हैं कई प्रकार के रसायनों को डालकर, कई प्रकार की किरणों का प्रभाव डालकर और उत्परिवर्तित किस्मों को विकसित किया जाता है। और वो अगर कोई उन्नत किस्म मिल जाती है तो नई किस्म का विकास हो गया उत्परिवर्तन से। ऐसे ही है बहुगुणित किस्में। बहुगुणित किस्में का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका गेहूं। जो गेहूं आज हम बुआई के काम में लेते हैं वो कौन सा होता है? 6N षष्ठ गुणित है ये गेहूं। जो आज हम गेहूं खाते हैं और बोते हैं वो कैसा है भैया? षष्ठ गुणित है। षष्ठ गुणित, षष्ठ गुणित है, 6N है उसके अंदर, जबकि सामान्य अवस्था में तो 2N ही होते हैं, इसमें क्या है? 6N है। और इनकी बहुगुणता की चर्चा तो हम आगे क्लास में करेंगे। किस प्रकार से होता है, क्या होता है कि जब फूल बनता है फूल में अर्धसूत्री विभाजन को रोककर और गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है और उससे बहुगुणित किस्मों का विकास किया जाता है। ठीक है, अब है इसके बाद एक शुद्ध बीज। शुद्ध बीज तो होने ही चाहिए, जो अपनी जाति के अनुरूप जो गुण रखते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? शुद्ध बीज, शुद्ध किस्में कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे देखिए आपकी, ये आर्द्रता प्रतिशत। ये आर्द्रता प्रतिशत बीजों के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर संग्रह किया बीजों का, बीजों को कहीं पर, इस साल गेहूं की फसल आ गई हमारी और हमने उसको ले जाके घर पे डाल दिया, धूप में पड़ा है, कहीं नमी पे पड़ा है, कहीं दीवार ऐसे कमरे में भर दिया इसकी दीवारों पर सीम आ रही है बरसात की, अगर ऐसा है तो वो बीज अगले साल किसी भी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि देखो बीज में तो जीव है, बीज में भ्रूण है, वो सजीव है, उसमें अगर वो सक्रिय हो गया, नमी ज्यादा मिल गई तो खेत में जाकर क्या उगेगा? अगर वो ज्यादा गर्मी और टेम्परेचर रख दिया तो भ्रूण वैसे ही मर जाएगा, नमी कम में रख दिया तो भ्रूण सूख कर मर जाएगा, अंकुरित नहीं होगा बीज। इसीलिए बीजों में सबसे मुख्य कारक नमी का होता है और नमी का ध्यान में रखने के लिए आर्द्रता फिक्स करी गई है, नमी फिक्स है साहब, इस नमी से कम या ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए बीजों के भंडारण के दौरान। और वो क्या है देखो आप, ये है गेहूं, सारी अनाज वाली जो फसलें हैं ना, ये आपकी जो सीरियल और मिलेट है, गेहूं जो बाजरा ज्वार मक्का धान और एक सोयाबीन भी है यहाँ पर, जबकि सोयाबीन दालें अलग है सारी, यहाँ पर सोयाबीन दे रखी भैया। इसको कितने नमी पर संधारित किया जाता है देखें आप, इसको रखा जाता है 12% नमी पर। ठीक है, इसके बाद सारी बची हुई दालें जो बची वो सारी दालें कितने परसेंट में रखते हैं? 9% में रखते हैं, 9% नमी पर इनका संधारण किया जाता है। देख लो आप, चना मटर मूंग मोठ उड़द चौड़ा सारी दलहनी फसलें आ गई है। इसके बाद सरसों तिल मूंगफली अलसी सारी तिलहनी फसल 8% पर। तो क्या क्रम हो गया देखो आप, तिलहनी 8%, दलहनी 9%, अनाज 12%, तिलहनी 8%, दलहनी 9% और अनाज 12%, केवल एक सोयाबीन है। तो सोयाबीन तो अलग ही प्रकार की फसल है, ये दलहनी भी है और तिलहनी भी है, पता है ना सोयाबीन, इसलिए 12% नमी पर रखते हैं इनको, याद रखने के लिए बताया मैंने आपको तीन क्रम। और बची भी फसलें बरसीम है, कपास है, अरहर, अरहर भी दाल थी हालांकि, पर इसको अलग है ये देखो आप, इसको कितने परसेंट नमी पर रखते हैं? 10% नमी पर रखा जाता है, इससे कम पर भ्रूण मर जाएगा,
ज्यादा पर भ्रूण सक्रिय हो जाएगा और पहले ही सक्रिय हो जाएगा तो फिर खेत में जाकर क्या उगेगा है। इसीलिए ये नमी का निर्धारण किया गया है बीजों के लिए। अब देखिए पृथक्कीकरण दूरी, आप लोग कुछ तो इसके बारे में जानते होंगे, पृथक्कीकरण दूरी क्या होती है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है, लेकिन संकर बाजरे का बीज उत्पादन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि बाजरा खरीफ में होता है, पूरे राजस्थान में बाजरा उगता है। बाजरे को पता आपको, एक किलोमीटर संकर बाजरे को, एक किलोमीटर 1000 संकर बाजरा, देखो संकर बाजरा है ये रहा, संकर बाजरा 1000 मीटर की दूरी चाहिए उसको, किसी भी दूसरी बाजरे के पौधे की दूरी होनी चाहिए 1000। कितनी होनी चाहिए देखो आप, 1000। संकर बाजरे का बीज उत्पादन करने के लिए 1000 दूरी पर तक कोई दूसरा बाजरे का पौधा नहीं होना चाहिए। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होता है, 1000 के मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो ये अलग अलग किस्मों में अलग अलग प्रकार की दूरी होती है पृथक्कीकरण दूरी। जिन फसलों में स्वयं परागण होता है उनमें परपरागण होता ही नहीं है तो उनमें दूरी रखने की जरूरत नहीं है, भले बगल में उगा लो आप, उसमें तो होता है स्वयं परागण है, इसलिए उसमें पृथक्कीकरण दूरी की आवश्यकता नहीं है। पृथक्कीकरण दूरी होती क्या है पहले इसको बताता हूं मैं आपको। पृथक्कीकरण दूरी सबसे पहले तो बीज उत्पादन में काम आती है। कैसे काम आती है, जैसे आज हम कोई बाजरे की बात करते हैं, अपन बाजरे का संकर बीज का उत्पादन यहां पे किस खेत में कर रहे हैं, संकर बीज का उत्पादन कर रहे हैं, और ये संकर बीज का उत्पादन कैसे होता है, एक तो नर और एक मादा, इस नर का पराग कण को इस मादा पे लाकर डालना है, इस नर के पौधे के पराग कणों को इस मादा के पौधे पर डालना है, ठीक है। तो निश्चित है इसको डालना है, दूसरे को डालना है। तो आसपास के खेतों में, आसपास के खेतों में अगर बाजरा उग रहा है तो वो उस दूसरे पौधों के पराग कण उड़कर इस मादा पर आ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपकी किस्म बेकार हो गई, जो किस्म आप बनाने जा रहे थे वो किस्म बनेगी नहीं। तो ये जो दूरी रखी जाती है ये दूसरे पौधों से परागण से बचाने के लिए, इस मादा पौधे की जो दूरी रखी जाती है ये क्या है भैया, पृथक्कीकरण दूरी है। और ये मीटर में इसका निर्धारण करेंगे हम, आधार बीज का उत्पादन के लिए इतनी और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए इतनी हमको पृथक्कीकरण दूरी रखी जानी है। अब जिनमें होता ही स्वयं परागण है उनमें तो दूरी रखने की क्या जरूरत है, बगल में हो भले। अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली का फूल, तो मूंगफली का जो फूल पता कैसे होता है, क्लिस्टोगेमी होता है। मूंगफली का फूल क्लिस्टोगेमी इसलिए होता है कि मूंगफली का फूल बंद ही रहता है, खुलता ही नहीं, उसमें अंदर तो जब खुलेगा ही नहीं तो बाहर का परागण कहां से आएगा, उसमें स्व परागण ही होगा। तो मूंगफली में तो स्व परागण ही होता है, चाहे बगल में दूसरा मूंगफली का पौधा हुआ हो उसमें परागण होता ही नहीं है। इसलिए मूंगफली जैसी फसल में मात्र कितनी ही दूरी की जरूरत पड़ती है, जरूरत नहीं दूरी की, बगल में उगाओ भले ही, 3 मीटर की मूंगफली है, स्वपरागण होता है गेहूं, जो जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, ये सारी क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, स्वपरागित फसलें हैं। क्या है, स्वपरागित फसलें हैं, इसमें दूरी रखने की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र 3 मीटर। अंकुरण प्रतिशत की बात हमने यहां, इसका रेफरेंस नहीं है परंतु यह भी साथ में टेबल बना ली हमने, क्योंकि यह भी जरूरी है अंकुर प्रतिशत। इन तीनों चारों फसलों की जब बीज हम खरीदा जाता है तो उसमें अंकुरण कितना प्रतिशत होना चाहिए, 85% होना चाहिए। चना सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, दलहनी फसल है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसमें भी नहीं है, फिर भी 10 मीटर या 5 मीटर, आधार बीज की 10 मीटर और प्रमाणित बीज की 5 मीटर दूरी रखी जाती है। उड़द, मूंग, मसूर, दलहनी फसलें तीनों, इनमें मात्र 20 मीटर और 10 मीटर की
जाती है। अड़सी ऑफन स्वपरागण होता है पर परपरागण भी हो जाता है, स्वपरागण होता है लेकिन पर परागण भी हो जाता है। इसी दूरी कितनी रखेंगे भैया, 50 मीटर तो आकार की और 25 मीटर प्रमाणित बीज की दूरी रखी जाती है। कपास में परपरागण होता है भैया, कपास में क्या होता है और होता काई से, कपास में कीटों से होता है, काई से होता है भैया, कपास में पर परागण होता है, काई होता है और काई से होता है, कीटों से होता है, उसकी दूरी रखी जाती है 50 मीटर और 30 मीटर। तिल में भी ऑफन वही परपरागण हो जाता है और 52 मीटर। की अलग अलग पृथकीकरण दूरी रखी गई है जिनमें होता ही परपरागण, ज्वार में भी हो सकता है, अरहर में भी परपरागण हो सकता है 200 मीटर, संकर ज्वार भी जो है वही परपरागण हो सकता है, मक्का की संकुल किस्मों में 100 मीटर दूरी रखी जाती है। इस प्रकार से तो आपको उतारना है इंपॉर्टेंट, और इसको एक एक करके याद भी करना है आपको, उतार कर याद हो सकती है। अजय सरसों की बात करें आप, देखो सरसों में क्या लिखा हुआ है, सरसों एक ऐसी किस्म, ऐसा पौधा है जिसमें भैया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। देखो एक अलग सी चीज आ गई है, मतलब इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, खुद में जिस पौधे का नर है उस पौधे की मादा है तो उसमें परागण होता ही नहीं है, बल्कि परागण उस पर गिर जाए, अंकुरित नहीं होते, स्वयं परागण होता ही नहीं है, इसमें होगा ही परपरागण, कौन सा परपरागण होगा सरसों में, इसलिए इसकी दूरी कितनी रखी है 400 मीटर और 200 मीटर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, स्वबंधता, स्वबंधता वाले पौधों में क्या होता है कि जब वो पौधा उगता है उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, पर उसमें अगर नर उसके परागण जो है नर के उसके मादा पर गिर भी जाते हैं तो अंकुरित नहीं होते हैं, इसलिए स्वपरागण होता ही नहीं उनमें, उनमें परपरागण ही होता है। बाजरे में देखो आप 400 मीटर और 200 मीटर, और संकर बाजरे में सबसे ज्यादा दूरी रखी जाती है 1000 मीटर, 1000 मीटर तक इसके परागकण हवा के साथ उड़ के जा सकते हैं, हवा के साथ उड़कर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक इसके परागकण उड़ के जा सकते हैं, इसलिए ये दूरी निर्धारित की जाती है। साथ के साथ आपको देखो ये जो है इसका अंकुरण प्रतिशत भी याद करना है अलग अलग फसलों का, इसमें कपास का विशेष रूप से देखो आप, कपास का अंकुरण प्रतिशत होता ही कम है, एक्चुअल में अंकुरण परसेंटेज होता ही कम है, इसलिए कितना रखा गया है 60% मतलब 60% भी अगर अंकुरण हो गया तो वो बीज मानक माना जाएगा। ठीक है जी, अब अपन अगला टॉपिक हमारा बीज का ही जो है वो है बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीजोपचार एक टीकाकरण है, बीजोपचार क्या है भैया, एक टीकाकरण है। टीकाकरण क्या होता है, देखो टीकाकरण होता है जिसे करोड़ों का टीका लग रहा है, इतनी सी दवाई से काम हो रहा है, एक इंजेक्शन लगाने से आप बीमारी से बच गए, वैक्सीनेशन है, और अगर बीमारी का आपने टीका नहीं लगवाया और अगर आपको बीमारी हो गई तो फिर देखिए आप हॉस्पिटल के चक्कर, हॉस्पिटल में एडमिट, हजारों की दवाइयां, लाखों की दवाइयां, और क्या पता बचोगे नहीं बचोगे। ऐसे ही पेड़ पौधों में बीजोपचार कैसे टीकाकरण है, बीजोपचार में 2 या 3 ग्राम दवा लेते हैं 1 किलो बीज में और उपचारित कर लेते हैं, वो बीमारी होती नहीं है। अगर हमने उपचारित नहीं किया और वो बीमारी हो गई तो फिर देखो आप खड़े खेत में पूरे 1 हेक्टर कितना बड़ा एरिया हो गया, छिड़कते रहो दवाई, कितनी दवाई छिड़कोगे, कितना पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितना छिड़काव में पैसा लगेगा आप। इसलिए बीजोपचार क्या है, एक टीकाकरण है। क्या है भैया, टीकाकरण है। देखिए बीजोपचार एक टीकाकरण है जो फफूंद जनित रोगों से, बीजोपचार क्यों किया जाता है, फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए या कीटों से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए भी करते हैं है? या फिर निमेटोड से बचाने के लिए करते हैं, या रोगों से बचाने के लिए करते हैं, बीज जनित रोगों से बचाने के लिए करते हैं, मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए करते हैं। इसके अलावा एक बीजोपचार और होता है, वो होता है जैव उर्वरक का, बायो फर्टिलाइजर का है? तो कीटनाशी से भी उपचारित किया, फफूंदनाशी से भी उपचारित किया, और लास्ट में राइजोबियम से उपचारित किया। तो ये दो तीनों सब चीजें आ गई, क्या क्या आ गई,
फफूंदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम। अगर आपको सब तीनों से उपचार करना है भैया, इसका एक क्रम है। क्या क्रम है भैया? FIR, FIR दर्ज कराते हैं थाने में, वो FIR है भैया, क्रम है, क्रम इसी में करेंगे। ऐसा नहीं है पहले तो फंजीसाइड से करेंगे, कहां से करेंगे? कवकनाशी से करेंगे, कहां से करेंगे? उसके बाद कीटनाशी से करेंगे, उसके बाद राइजोबियम से करेंगे। ये क्रम है फिक्स, ऐसा नहीं है कि पहले इंसेक्टिसाइड आ जाएगा, नहीं, पहले राइजोबियम आ जाएगा, नहीं, यही क्रम होगा। पहले फंजीसाइड से करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से करेंगे, फिर राइजोबियम से करेंगे। इस क्रम को बोलते हैं FIR। क्या बोलते हैं? FIR कहते हैं। एक बात तो ये, बीजोपचार जो है फंजीसाइड से करते हैं, कीटनाशक से करते हैं। अब बीजोपचार इनसे करेंगे, वो बीजोपचार किन किन दवाइयों से करेंगे, वो तो अपन जब फसलें पड़ेंगे, बीमारियां पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, तब उनका विवेचना करेंगे। यहां पर हमने जो है राइजोबियम की चर्चा की। यहां पर राइजोबियम से जो उपचारित करते हैं, देखो राइजोबियम की जातियां अलग अलग है। राइजोबियम क्या है? एक दलहनी फसलों में प्रयोग किए जाने वाला राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। कैसा जीवाणु है भैया? सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम। है इस किन फसलों में पाया जाता है? दलहनी फसलों में पाया जाता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं। है? इसी प्रकार से हमको नाइट्रोजन के उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, या कम डालते हैं इन फसलों में। है? जब अपने आप ही नाइट्रोजन मिल रहा तो बिना मतलब रासायनिक यूरिया की डालने की क्या जरूरत है, राइजोबियम से ही मिल जाता है। तो इसलिए अब राइजोबियम में भी क्या है, राइजोबियम की अलग अलग फसल की अलग अलग राइजोबियम की जातियां हैं। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम है आगे साहब सभी दलहनी फसलों को उपचारित कर दो, किसी भी दलहनी फसलों को, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम की जातियां हैं, ये देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे अपन। देखो अगर रिजका है, ये रिजका है भैया, रिजका, रिजका, रिजके को अल्फा अल्फा भी कहते हैं, रिजके को स्वीट क्लोवर भी कहते हैं, रिजके को लूसर्न भी कहते हैं, सब नाम रिजके के, ध्यान रखो आप, रिजके के इतने सारे नाम है भैया, स्वीट क्लोवर, लूसर्न, रिजका। और रिजका में जो काम में लेते हैं वो लेते हैं राइजोबियम मेलिलोटाई। कौन सा राइजोबियम की जाति काम में लोगे? मेलिलोटाई। ऐसे ही मेथी और बरसीम में काम में लोगे ट्राइफोलाई, राइजोबियम में ट्राइफोलाई। दलहनी दालों में, खरीफ में नहीं, रबी दालों में, दलहनी क्या, रबी की दालों में काम में लोगे लेगुमिनोसेरम। रबी की दालों में काम में लोगे लेगुमिनोसेरम। खरीफ की दालों में काम में लोगे भैया फेजियोलाई। क्या काम में लोगे? फेजियोलाई। खरीफ की दालों में मूंग, उड़द और मोठ में काम में लोगे फेजियोलाई। और सोयाबीन एक वंडर क्रॉप है, दलहनी भी है, तिलहनी भी है, उसकी अलग ही जाति काम मिलेंगे, उसका नाम जेपोनिकम। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन भैया, सोयाबीन में कौन सी जाति काम में लेंगे? जेपोनिकम। क्या बोलेंगे? जेपोनिकम काम में लेंगे। इसीलिए अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम की जातियां भी आपको याद करनी पड़ेगी। और राइजोबियम का, सोयाबीन का क्वेश्चन बहुत आता है, जेपोनिकम। ये था आपका राइजोबियम संवर्धन। संवर्धन कल्चर होता है, कल्चर राइजोबियम का कल्चर आता है, उसमें राइजोबियम के जीवाणु होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसके बीजाणु उस पैकेट कल्चर में आते हैं, उससे उसको उपचारित करते हैं, फिर वो जड़ों के साथ क्या करता है, नीचे मृदा में मिल चल जाता है बीजों के साथ, बीजोपचार के साथ। वो जब अंकुरित होता है पौधा, उसकी जड़ें बनती है, तो जड़ों में ये राइजोबियम घुस जाता है अंदर, और वहां पिंक कलर की, गुलाबी रंग की, कौन से रंग की? गुलाबी रंग की क्या बनाता है? गुलाबी रंग की क्या बनाता है भैया? ग्रंथियां बनाता है। क्या बनाता है? ग्रंथियां बनाता है। और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है पौधे को, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। ये और भी राइजोबियम की चर्चा आगे भी करेंगे अपन, जब अलग अलग फसलों में भी राइजोबियम की चर्चा करेंगे।
देखिए आप एक टॉपिक और बीज का भैया, बीज में एक सुसुप्त अवस्था होती है। सुसुप्त अवस्था क्या होती है? सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्त अवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे आज गेहूं का बीज, गेहूं की फसल काट के लाए हम, वो गेहूं की फसल को अगर दूसरे दिन ही लाते ही दूसरे दिन हम बो देंगे तो वो उगेगा नहीं। उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ही वो अंकुरण योग्य होता है। तो वो जो निश्चित अवधि है ना बीज की, जिसमें वो अंकुरण नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? सुसुप्त अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसुप्त अवस्था कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। और इस डोरमेंसी को अलग अलग फसलों में, डोरमेंसी को फिर अगर आपको बोना है तो तोड़ने के भी तरीके हैं अलग, कैसे खत्म करें इस डोरमेंसी को, कैसे कर सकते हैं। नंबर एक तो है खुरचना, मतलब कोई बीज कठोर बीज है, बेर का बीज होता है, बेर का बीज होता है ना बहुत कठोर होता है, उसको लोडी से फोड़ दो आप और फिर वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा, वरना तो उसका जो इतना कठोर कवर होता है कि वो उसका उगने नहीं देगा उसको, है? तो बीर के बीजों को फोड़ कर बोना चाहिए, है? इसी प्रकार से बीजों को उपचारित कर सकते हो, कैसे? H2SO4 से, पोटेशियम नाइट्रेट से, खुरच कर बोया जा सकता है, केमिकल तरीके से या भौतिक माध्यम से। भौतिक माध्यम तो फोड़ना हो गया, केमिकल तरीके से ट्रीटमेंट करके हो गया। ऐसे ही स्ट्रेट अलग अलग तापमान, स्तरीकरण। दूसरा क्या है, अलग अलग तापमान देकर भी बीजों के भ्रूण को उत्तेजित करके भी जो है इसका सुसुप्त अवस्था को जा सकता है। क्या इसको स्तरण कहते हैं, अलग अलग तापमान देने को, जैसे ठंड में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रख लिया या फिर गर्म में रख लिया, और इस प्रकार से तापमान विभिन्न तापमान पर रख के भी बीजों के भ्रूण को सक्रिय कर लिया जाता है। वो सक्रिय करके इसको स्तरण कहते हैं, इससे भी इसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक भ्रूण परिवर्तन, एक वो आता है टुकी घोल, क्या बोलते हैं? टुकी घोल, देखो ये रहा टुकी घोल आता है, उसको बोलते हैं टुकी घोल। क्या बोलते हैं? टुकी घोल, जो भ्रूण को सक्रिय करता है टुकी घोल बोलते हैं भैया। ऐसा रसायन जो भ्रूण का परिवर्तन के काम आता है, क्या बोलते हैं उसको? टुकी घोल। इससे उपचारित करके भी बीजों के सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट से उत्साहित करके तोड़ा जा सकता है। आलू में, आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ते हैं भैया इससे, थाई यूरिया से। कैसे? थाई यूरिया से आलू की अवस्था को तोड़ते हैं, काइनेटिन प्रयोग करके, इथाइलिन को प्रयोग करके, और सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। HCl नमक का अम्ल, HCl को प्रयोग करके सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। और बीजों में जो सुसुप्त अवस्था आती है, डोरमेंसी आती है, उसका मुख्य कारण है भैया हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कमी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बीजों में सुसुप्त अवस्था में किस हार्मोन की कमी के कारण आता है? यह है, किस एंजाइम की कमी के कारण आता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की कमी के कारण हो जाता है, सुसुप्त अवस्था आ जाती है। तो यह सब जानकारी आपको, आपकी आज की बीज की बारे में जानकारी थी। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।